है फ्रेंड्स, दिस इज़ योर हेयर स्टाइलिस्ट राजू रियाज। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट केराटिन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट। सो केराटिन क्या है? बहुत तरह का केराटिन मार्केट में है। सो आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो है अमेजन सीरीज का सिस्टीन कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट, जो कर्ल सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट होता है। बहुतों को एक्चुअली क्या है, बहुत का मिसकंसेप्शन भी होता है और बहुत के अंदर मिथ भी छुपा हुआ है कि केराटिन करने से बाल सीधे हो जाते हैं। ये लेकिन बहुत हद तक सही नहीं है, सीधा बाल आपको नहीं देते हैं ये। एक्चुअली ये प्रोटीन देते हैं बालों को, और उन बालों को जो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके बाल इफ़ यू हैव अनरूली डैमेज एंड अनमैनेजेबल हेयर है, कर्ली हेयर है, देन आप इसको सिस्टीन ट्रीटमेंट जो है आप कर सकती हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपका हेयर लिम्प है, लाइफलेस है, सो सिस्टीन ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट फॉर योर हेयर। सो ये पहले आप समझ लें। बहुत लोगों को मालूम नहीं है मुझे केराटिन करना है, बट देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केराटिन। दैट्स वाई ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आप लोगों को मैं सही गाइड कर सकूँ। आपका राजू रियाज जो हेयर स्टाइलिस्ट है, हेयर गाइड है, तो इसलिए मैं आया हूँ और हमेशा नया नया वीडियो लेके आता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें और इसे देखें, और इसे आप अपना जो कंसेप्शन है, आपका मिसकंसेप्शन जो है वो भी क्लियर हो सकता है, और अवेयरनेस भी है जो आजकल बहुत सैलोनों में, जो हम लोग और बहुत सैलोन भी केराटिन ट्रीटमेंट देता है स्मूदनिंग के बाद, स्ट्रेटनिंग के बाद आप लोग लेती हैं, और हम लोग भी सजेस्ट करता है। लेकिन समझना है कौन सा केराटिन किस बालों के लिए है। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये अमेजन सीरीज का है, जो डी फेबुलस जो है वो कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चर करती है, और इसके बारे में बोलना जा रहा हूँ। जो ये जो कल ये जो सिस्टीन कॉम्प्लेक्स है, कल सॉफ्टिंग ट्रीटमेंट है, जिसका बहुत ज़्यादा कर्ल है उसको सॉफ्ट कर देगा। और भी है इसमें, सबसे बड़ा बात ये है कि एब्सोल्युटली जो है देर इज़ नो फॉर्मल्डिहाइड, जो खतरनाक होता है, मतलब कि इसमें हेयर ड्रेसर के लिए भी, क्लाइंट के लिए भी बहुत ये डेंजरस होता है, हार्मफुल भी होता है। तो देर इज़ नो हार्मफुल केमिकल्स, एकदम ये जो है सिस्टीन हेयर ट्रीटमेंट जो है इज़ फ्री फ्रॉम केमिकल्स, व्हिच मेक्स इट सेफ फॉर यूज़ इवन बाय द प्रेग्नेंट वोमेन ऑल्सो। इतना सेफ है, हम इतना बता सकता हूँ आपको। जो ये आप समझ लें कि ये जब भी आपका अगर हेयर में, अगर आप ये देख रही हैं कि आपका हेयर अनरूली है, डैमेज है, अनमैनेजेबल हेयर है, फ्रिजी है, तो आस्क योर हेयर स्टाइलिस्ट नाउ फॉर दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड सिस्टीन कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट। और बाल कर्ली भी हो, डैमेज भी हो, अनरूली भी हो, अनमैनेजेबल भी हो, तो ये आपका मैनेजेबल कर देगा अनमैनेजेबल से। सो ये आप कभी मत सोचें कि आपको ये बालों को सीधा करेगा, ये आपको बाल को सॉफ्ट करेगा, और जो प्रोटीन देगा, जो ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग जो है प्रोटीन इसमें रहता है, सो ये और भी प्रोटीन देगा आपको बालों में, और सॉफ्ट करेगा और रिलीज करेगा जो भी कर्ल्स है एंड वेव्स है, रिलीज योर कर्ल्स एंड वेव्स फ्रॉम योर हेयर। सो दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू, सिस्टीन हेयर ट्रीटमेंट इज़ फ्री फ्रॉम केमिकल्स, जो कि सेफ है, प्रेग्नेंट वोमेन के लिए भी सेफ है, तो इसमें एकदम केमिकल फ्री है। सो आराम से आप कभी भी पार्लर विजिट करें, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आपका बाल जैसे मैं बताया हूँ अनरूली, डैमेज और अनमैनेजेबल है, और आप अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू लाइक हेयर कलर भी करती हैं, लाउड कलर करती हैं, स्ट्रेटनिंग कर रही हैं, स्मूथनिंग कर रही हैं, फ्रिक्वेंट आप लोग कर रही हैं, फिर भी आप ये ट्रीटमेंट आप कर सकती हैं, और आप अपने हेयर एक्सपर्ट को पूछ सकती हैं फॉर दिस ट्रीटमेंट, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सिस्टीन कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट, जो आपका बालों को सॉफ्ट करेगा और रिलीज करेगा कर्ल्स और वेव्स को, रिलीज करेगा और प्रोटीन भी देगा, बाल हेल्दी भी रहेगा, सॉफ्ट भी रहेगा, स्ट्रॉन्ग भी रहेगा, फिर इसके बाद बाल आपका एंड रिस्टोर द प्रोटीन अगेन, रिस्टोर द स्ट्रेंथ अगेन, बालों में फिर से स्ट्रेंथ आ जाएगा। सो माइंड इट, ये एक
प्रोटीन ट्रीटमेंट है सिस्टीन कॉम्प्लेक्स। तो आप जब भी आप जाएं, आप विजिट करें पार्लर, और ये अगर प्रॉब्लम है आपके अंदर तो ये एब्सोल्युटली फॉर्मेलिटी फ्री है, कोई बालों को आपको कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, बालों को कोई आपका बाल डैमेज नहीं होने वाला, उल्टा बाल डैमेज बाल रिपेयर होंगे, अनरूली बाल रिपेयर होंगे, अनमैनेजेबल बाल ठीक होंगे, कर्ल्ड और वेव्स ठीक होंगे, इसमें एकदम बढ़िया एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट है और प्रोटीन ट्रीटमेंट है, माइंड रखें इसे क्या होने वाला है आप लोग समझ चुकी है। सो थैंक यू वेरी मच, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छा नॉलेज भी आपको मिला हो। तो आप मैं आपको आज एक अच्छा सा प्रोटीन ट्रीटमेंट बता दिया हूँ, जो कि केराटिन आप लोग बोलते हैं, ये भी एक केराटिन है, नेचुरल केराटिन जो है प्रोटीन जो आपके हेयर में रहता है वही है सिस्टीन कॉम्प्लेक्स। तो ये इसके जब भी आप जाएं तो आप इस ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकती है अपने हेयर स्टाइलिस्ट से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, फिर दोबारा फिर से आऊँगा और भी ढेर सारा केराटिन ट्रीटमेंट है हमारे आजकल चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर, उसके बारे में भी बोलूँगा। तो आज आपको सिस्टीन कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट के बारे में बोला हूँ, जो इसका शैम्पू भी बहुत अच्छा है, सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री भी है। तो अगर आप लोग अगर ये ट्रीटमेंट करें तो इसका आप फॉलो भी करें, इसी का शैम्पू और इसी का कंडीशनर जो है आप फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, और जो और भी आपको अगर क्वेरीज हो, अगर कुछ पूछना हो हेयर के बारे में, तो मेरा आप पेज भी देख सकती हैं, आप मेरा पेज भी विजिट कर सकती हैं, मेरा जो पेज है राजू रियाज इंस्टाग्राम में भी है और फेसबुक में भी है, और मेरा नंबर भी है, मैं आपको नंबर भी बोल देता हूँ 9864054398, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती है, कांटेक्ट भी कर सकती है। एनी क्वेरीज आपके हेयर के बारे में, अगर एनी क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बेझिझक प्लीज़ हम कभी भी पूछें, आप आराम से व्हाट्सएप भी कर सकती हैं, आप मैसेंजर में भी पूछ सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, फिर आऊँगा एक अच्छा सा आप लोगों के नॉलेज लेके, अच्छा सा एक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा। सो देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।